अब हम कर रहे हैं अपने क्लास 11th के थीम फर्स्ट का पार्ट सेकंड। तो अब हम इसमें पहले देख रहे हैं कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे। वो उन्होंने पेड़ से स्टार्टिंग करी, केव्स में रहने लगे और उसके बाद ओपन एरिया साइट्स में आ गए। तो हमें ये कैसे पता चलता है? हमें ये पता चलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स से। अब ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स हमारे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि ह्यूमन बींग ने बनाए होते हैं, चाहे वो टूल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं या एंग्रेविंग्स हैं, खुदाई गई खोदी गई चीज़ें हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि वहाँ पे लोग रहते थे या नहीं रहते थे। जैसे हमें क्या क्या मिला है, हमें कुछ फ्लेक टूल्स मिले और हैंड एक्सेस मिले हैं। ये जो आपको यहाँ फोटो दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे ये फ्लेक टूल्स और हैंड एक्सेस, ये सारी चीज़ें मिली हैं। ये इतने परफेक्ट नहीं है बट क्या है, अर्ली ह्यूमंस इन्हें बनाते थे और उनके लिए काफ़ी यूज़फुल भी होते थे, ठीक है। तो हमें अब कैसे पता चलता है कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, कि ऐसा कहा गया है कि टूल्स सारे एक ही जगह पे हमें क्यों मिले, यानी कि वो लोग या तो उस जगह को बार बार विजिट करते थे या वो वहीं पर रहते थे। हमें कुछ प्लेसेस पे अबंडेंट यानी कि बहुत सारे फूड रिसोर्सेज मिले हैं, बहुत सारे टूल्स मिले हैं, और कुछ पे नहीं मिले, यानी कि लोग उन जगह ज़्यादा से ज़्यादा जाते होंगे, ठीक है। और जहाँ पे लोग कम जाते होंगे वहाँ हमें कम आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और साथ में क्या मिला है, वो स्कैटर्ड है, वो फैले हुए हैं हवा पानी की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा एक क्या थ्योरी निकल के आती है कि एक जगह, मतलब ऐसा भी हुआ होगा कि होमिनिड्स जो थे हमारे, और जो होमो थे, होमिनिड्स जो थे और हमारे प्राइमेट जो थे और जो कार्निवोर्स थे, वो सब एक ही जगह पर रहते होंगे। जैसे कहा जाता है कि होमिनिड पेड़ पर रहते हैं, ठीक है, लियोपार्ड वगैरह, ठीक है, और जो प्राइमेट थे वो भी पेड़ से ही चीज़ें सामान लेते थे, ठीक है। कार्निवोर के होते कौन होते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनकी भी चीज़ें यहीं मिली हैं, ठीक है। यहाँ पे कटिंग ब्रेकिंग मतलब सारे काम होते होंगे, यानी कि एक जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे ये सब लोग एक जगह एक साथ रहते थे, क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड यहाँ पे मिली हैं। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है, जो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं, 400,000 से 125,000 ईयर अगो क्या हुआ, हमें केव्स मिलना शुरू हुई, ठीक है। हमें पता चला कि तब से केव्स में रहना या फिर ओपन एयर साइट्स में रहना शुरू कर दिया गया था। इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले, यूरोप में मिले हैं, ठीक है। एक ये लेजरेट केव है, ये जो फोटो हमें दे रखा है, ये कहाँ है, वो सॉरी, जो लेजरेट केव है वो 12.4 मीटर के शेल्टर में बनी हुई होती थी केव वॉल पे, ठीक है। साउदर्न अफ्रीका में, साउदर्न फ्रांस में हमें इसके एग्जांपल्स मिले हैं। तो इसमें क्या था कि ये जो लेजरेट केव थी, ठीक है, इसमें क्या होता था कि जो केव की दीवार है उसके सहारे हमें वो घर टाइप मिला है, शेल्टर टाइप मिला है, ठीक है, जो बनाया हुआ था 12.4 मीटर्स का था। और उसमें हमें दो हट्स मिले हैं, हट्स मतलब दो चूल्हे मिले हैं जिसपे ऐसा लगता है कि अलग अलग फूड सोर्सेज बनाए जाते होंगे, पकाए जाते होंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स या बर्ड एग या फ्रेश वाटर फिश, ये सारी चीज़ों के हमें क्या मिले हैं, कुछ रिमेनिंग्स मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे ये लोग थे। दूसरा एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है, टेरा अमाटा का। टेरा अमाटा क्या है, ये जो आपको ये फोटो दे रखी है टेरा अमाटा, इसमें क्या होता था कि ये जो शेल्टर है ये बना हुआ होता था किससे, कुछ पाइप्स से कह लो या फिर बैम्बूज से कह लो, ठीक है। इसे कहा गया, क्या कहा गया है कि ये दोनों साइड से जो बनी हुई होती थी स्कैटर्ड होती थी और यहाँ स्टोन से घिरा जाता था। स्टोन से क्यों घेरते थे इसे, स्टोन से घेरने से क्या होता था, इसे सपोर्ट मिलता था, इसे बनने के लिए सपोर्ट मिलता था, ठीक है। और साथ में क्या था, इसमें ये जो ब्लैक निशान है, देखो अभी देखेंगे हम, इसमें ये जो ब्लैक कलर का निशान दे रखा है ना एरो, यहाँ है कि यहाँ पे चूल्हा था, यानी कि हर्ज था इनका, ठीक है। इसके साथ में ये किससे बनाए जाते थे चारों तरफ से, ये ब्लैक स्पॉट के जो एरो हैं ये दिख गया हमें, ठीक है। इसके जो ये दीवारें थी ये वुड से या फिर ग्रासेस से बनाई जाती थी, ठीक है, ये वाला जो एरिया बनता था। अब ये हो गया, हमें क्या क्या किस किस चीज़ के पीस मिले हैं, हमें बेक्ड क्ले के पीस मिले हैं, बर्न बोन के पीस मिले हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये सारे लोग खाते थे, पीते थे। कहाँ कहाँ से चीज़ें मिली हैं, केनिया से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, लगभग 1.4 से 1 मिलियन ईयर अगो की ये बात है, ठीक है। अब जो हर्ड्स थे, हाँ, अब ये बताया जाता है कि जो हमें बेक्ड क्ले वगैरह मिली है या फिर जली हुई हड्डियाँ मिली हैं, ऐसा भी हो सकता था कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो अचानक से, ठीक है, कहीं नेचुरल बुश फायर हो गया हो, इस वजह से वो चीज़ें जली हुई हों, ऐसा हो सकता है, मतलब कोई कंट्रोल्ड फायर यूज़ ना हुआ हो। लेकिन ये जो हमें चूल्हे हट्स मिले हैं ना, इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड फायर का यूज़ होने लगा था, उन्हें पता था कि फायर का यूज़ कैसे करते हैं। अब क्यों फायर का यूज़ इम्पॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अब ये क्या करने लगे थे, टूल्स बनाने लगे थे, तो टूल्स भी गर्म करने होते कुछ कुछ, ठीक है, एनिमल्स को भगाने के लिए उसका हीट का यूज करते होंगे, ठीक है, इसके साथ साथ अपने खाने को कुक करने के लिए, केव्स के अंदर लाइट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फायर का यूज करना जान गए थे। अब क्या है, अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स बनाने कैसे शुरू करें। अब पहली बात तो यह है कि टूल्स
सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस नहीं बनाते थे बल्कि कुछ पक्षी और कुछ जानवर भी बनाते थे, जैसे चिंपैंजी हो गए, ठीक है, जो लोग मतलब फ्रोजन करके खाते हैं, इनकी जो स्केलेटन पड़ा होता है, जो भी पंजर पड़ा हुआ होता है, अस्थि पंजर होता है मरे हुए इंसानों को, उसमें से खुरोच कर जो लोग खाना खाते हैं, लोग मतलब बर्ड्स वगैरह या फिर चिंपैंजी जो जानवर खाना खाते हैं, ठीक है, वो लोग सबसे पहले यूज़ करते थे इन किन चीज़ों का, इन टूल्स का, जैसे अपने आप को खाने के लिए, हाइजीन के लिए, सोशल एनकाउंटर्स के लिए। बाद में क्या हुआ, ह्यूमंस ने टूल बनाने लगे। और हमने क्यों कहा कि जो हमें बाकी टूल्स मिले वो ह्यूमंस ने बनाए, क्योंकि एप्स के पास हम ऐसे टूल्स नहीं देखने को मिलते, ठीक है। अब जैसे हमने पेज नंबर 11 पे मतलब ऊपर हमने पढ़ा था कि कुछ चेंजेस आने लगे थे हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, हमारा हाथ पहले बिल्कुल बंद था, फिर और खुला, ठीक है। तो कहते हैं कि उस हाथ खुलने की वजह से हम टूल्स का इम्पोर्टेंट, जो टूल्स का इम्पोर्टेंट रोल था इसमें हाथ खोलने में, जैसे जैसे हम टूल्स का यूज़ करने लगे, हाथों की जो स्ट्रेंथ थी वो बढ़ने लगी, ठीक है, इसका ही बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा। अब जैसे जैसे टूल्स का यूज़ होने लगा, वैसे ही माइंड ऑर्गेनाइज कह लो, या फिर जैसे माइंड ऑर्गेनाइज हो रहा था, वैसे वैसे हम टूल्स बनाने लगे, क्योंकि टूल्स बनाने के लिए क्या चाहिए था, एक ग्रेटर मेमोरी चाहिए थी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स चाहिए होती हैं कि कहाँ से हमें शार्प करना है, कहाँ से ब्लंट रखना है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे नॉलेज ने आने लगी थी। हमें अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलते हैं टूल्स के, इथियोपिया में, ठीक है, और केनिया में, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो कि आपको मैप 1 में ऊपर देखना है, ठीक है। अब कहते हैं कि सबसे पहले जो टूल्स थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने बनाए थे। अब देखो, हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे कि टूल मेकर कौन थे, होमो हैबिलिस थे, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी यहाँ पे टूल्स बना रहे हैं, मतलब जो स्मार्टेस्ट टूल बनाने था वो होमो हैबिलिस ने सीख लिया था, यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे इसमें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था अपने आप को जिंदा रखने के लिए, जितने उन्हें टूल्स की रिक्वायरमेंट थी। अब देखो, कुछ टूल्स उन्होंने दिखा रखे हैं, जैसे पहला चॉपर की तरह यूज़ होता था, ठीक है, जो कि थोड़ा आगे से देखो उसे काटा गया है, शार्प किया गया है, जिससे वो क्या कर सके और यूज़ किया जा सके। और जो ये दूसरा है, नीचे वाला है, ये एक एक्स की तरह, कुल्हाड़ी की तरह इसको यूज़ करने के लिए कि उसे खोदा जा सके, जिससे, ठीक है, यूज़ होता था। अब इसके बाद कुछ अदर केसेस भी हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मैन वुमेन दोनों टूल्स बनाते थे, या सिर्फ मैन बनाते थे, या सिर्फ वुमेन बनाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वुमेन्स बनाती होंगी, किस लिए बनाती होंगी, एक तो खाने के लिए भी, खाना तो सबको ही चाहिए, और एक अपने चाइल्ड बच्चों को पालने के लिए, तो इन कामों के लिए वुमेन्स को भी टूल की जरूरत होती होगी, तो मैन और वुमेन दोनों ही टूल्स बनाते होंगे। अब एक और टूल की बात करी गई है, जो है स्पीयर थ्रोअर। स्पीयर थ्रोअर क्या था कि मतलब इसमें एक हैंडल था, ठीक है, जिससे उस चीज़ को मतलब ये एनिमल को किल करने के लिए यूज़ होता था, लगभग 35,000 साल पहले का। उन्होंने क्या क्या डेवलप कर लिया, स्पीयर थ्रोअर और बो एंड एरो, यानी कि अपने धनुष बाण उन्होंने तैयार कर लिए थे, और ये स्पीयर थ्रोअर क्या था, यहाँ पे देखेंगे एक सेकेंड, क्या था कि इससे इसका जो हैंडल था, इससे उसे दूर फेंकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी, और इससे वो एनिमल्स को अच्छे से मार सकते थे, पकड़ सकते थे। अब यहाँ पे आप एक डिज़ाइन देख रहे होगे इसके ऊपर, ये जो डिज़ाइन था ये क्या था, अब ये डिज़ाइन वाली जो चीज़ें थी वो यहाँ से आने लगी, जब हमारी एक और टेक्निक, मतलब एक और टेक्निक हमने इन्वेंट कर ली, वो थी पंच ब्लेड टेक्निक। पंच ब्लेड टेक्निक क्या थी कि मतलब जिसमें हम पंच कर करके, ठीक है, यहाँ पे देखो, पहले हमने पंच करके उसका जो ऊपर वाला हेड था वो तोड़ा, उसके बाद उसमें डिज़ाइंस बनाए, नीचे तक एंग्रेव किया। इस मेथड से क्या होने लगा कि हम लोग उसमें डिज़ाइंस बनाने लगे, किसमें, बोन्स में, ठीक है, दाती के हाथ में, हाथी के दांत में, ठीक है, रेंडर्स के दांतों में, लकड़ियों में, ये सारे डिज़ाइंस होने लगे थे। यानी कि अब धीरे धीरे हमारी टेक्निक क्या होने लगी थी, आगे बढ़ने लगी थी, और हम एडवांस होने लगे थे। उसके बाद क्या है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड आर्ट, हमने बोलना कैसे शुरू करा। तो पहले तो 3 पॉइंट दिए गए हैं कि शायद ऐसे हमने शुरू किया होगा। एक पॉइंट कहता है कि हमने धीरे धीरे हाथ का मूवमेंट शुरू करा, उन जेस्चर्स से धीरे धीरे हमारी भाषा डेवलप हुई। कोई कहता है कि जो हम नॉन वोकल वॉइस निकालते हैं, नॉन वोकल वॉइस कैसी होती है कि हम कोई शब्द ना बोलें लेकिन सिंगिंग करें, हमिंग करें, तो उससे भाषा का इजाद हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं कि एक दूसरे को बुलाने का जो तरीका होता है ना, जो हम कॉलिंग करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बोल के किसी भी इशारों से, या कैसे भी चीख के जो बोलते हैं प्राइमेट्स, उनके बुलाने के तरीके से धीरे धीरे फिर भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं कि ये सब हुआ होगा। अब स्पोकन कैसे इमर्ज हुई, कब इमर्ज हुई, कहते हैं होमो हैबिलिस का ब्रेन इतना सफिशिएंट था कि उनका जो वोकल था ना, वोकल ट्रैक था, वो डेवलप हो चुका था 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब होमो हैबिलिस कौन थे, यही जो टूल मेकर्स थे, उसे ही हमने लैंग्वेज के लिए भी वो बनाया कि इन्होंने ही सबसे पहले लैंग्वेज भी स्टार्ट करी होगी। ठीक है,
क्योंकि कहा जाता है कि इतना उनका माइंड डेवलप हो गया था कि उनका जो थ्रॉट है, वोकल ट्रैक है, वो डेवलप हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक और कहा जाता है, एक और तरीका दिया जाता है कि लैंग्वेज यहाँ से आई होगी, जो है आर्ट, कि लोग ड्राइंग करते थे। मतलब केव्स में कुछ ड्राइंग मिली है, जैसे 25,000 ईयर्स अगो से 40,000 ईयर अगो पे हमें ये चीज़ें मिली हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन से या कम्युनिकेटिंग मीडिया में आता होगा। जैसे यहाँ पे केव पेंटिंग है अल्टामीरा में, ठीक है, अल्टामीरा कहाँ है, स्पेन में है, जो कि आपको ढूंढना है। ठीक है, आप देखोगे मैप में आराम से मिल जाएगा स्पेन। ठीक है, यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वो खुदाई कर रहे थे अचानक से, तो केव में उनकी बेटी को मारिया को एक पेंटिंग दिखी, वो चिल्ला के कहती है कि पापा पापा बुल, तो पापा पहले हंसने लगे कि बुल, लेकिन फिर पापा ने जब ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रक्चर बुल से मिल रहा था, और वो किसी पेंट कलर से नहीं बने हुए थे बल्कि किसी पेस्ट से बने हुए थे। ठीक है, पहले उसने फिर बुकलेट पब्लिश करी इससे रिलेटेड, बट उस बुकलेट को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई पहले काफी टाइम तक, उसके बाद में उसमें बातें हुई थी। स्टार्टिंग की पेंटिंग्स थी वो कहाँ कहाँ मिली, फ्रांस में, अल्टामीरा में, स्पेन में, ठीक है, इन सारी जगहों पे मिली थी। और किस किस की फोटोज होती थी उस पर, कभी हॉर्सेस की, डियर्स की, मैमथ्स की, राइनोज की, लायंस की, बियर की, इन सारे जानवर की वो होती थी। अब बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि कुछ ही गुफाओं में क्यों पेंटिंग मिली, कुछ ही जानवरों की पेंटिंग क्यों थी, वुमेन को हमेशा ग्रुप में ही क्यों दिखाया जाता था, जबकि मैन को ग्रुप में भी और इंडिविजुअली भी दिखाया जाता था। इससे मतलब इससे क्या तात्पर्य निकलता है, क्या इसका मतलब है। ठीक है, फिर कुछ एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन है तो आंसर भी होना ही है। ठीक है, अब आंसर क्या दिए जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को, क्या पता ऐसा हो कि ये रिचुअल हो, ठीक है, यानी कि कोई परंपरा हो कि अगर आपने हंटिंग अच्छी से कर ली, ठीक है, तो आप उसकी एज अ विजेता, एज आप सक्सेसफुल हंट हो, हंट कर लिया आपने सक्सेसफुली, तो आप उसे पेंट करके बताते हो कि हाँ जी मैंने सक्सेसफुली हंट कर लिया है, या फिर ये कोई परंपरा हो कि आप लोग ऐसे दिखाते हो। क्या पता यहाँ पे क्या होता हो कि लोगों के ग्रुप मिलते हो आपस में, और जो अपनी हंटिंग टेक्निक है वो शेयर करते हो, नॉलेज शेयर करते हो, ठीक है, या फिर एक दूसरे को क्या करते हो इस तरह से दूसरी जनरेशन में एक टेक्निक का पास ऑन करना, कि हमारी आगे वाली जनरेशन को ये कैसे पता चलेगा, उस इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए इस टेक्निक का को अपनाया जाता होगा। ये कुछ क्या एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि आज की भी जो हंटर गैदरिंग सोसाइटीज हैं, आज भी हैं जो हंटर गैदरिंग सोसाइटीज आज भी हैं, उनसे भी हम क्या पता लगा सकते हैं, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग के जो अर्ली एनकाउंटर्स हुए थे वो हंटर गैदरर्स के अफ्रीका में हुए थे, यानी कि आज के जो लोग हैं हंटर गैदरर्स जो आज भी यही काम करते हैं वो अफ्रीका में मिलते हैं। जैसे यहाँ पे पहले एक वो दे रखी है, हाँ, एक अफ्रीकन पोस्टल ग्रुप की बात दे रखी है, जब उनसे बात करी तो इन्हें पता चला कि ये जो ग्रुप है, जब ये सबसे पहले एक इलाके में गया तो वहाँ पे जो कुंगसान थे वो उनके साथ उनका क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, कहाँ पे, कालाहारी डेजर्ट में। वो अफ्रीकन पोस्टल ग्रुप को पता चला कि ये जो कुंगसान थे ये इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे, जब वो देखते थे कि ये गाँव में तो रहते हैं लेकिन जब भी ये अफ्रीकन पोस्टल ग्रुप उनके पास उनके गांव में जाता था कोई भी उन्हें दिखता ही नहीं था। उन्हें बाद में पता चला कि ये लोग डरते हैं, और डर के कहाँ छिप जाते हैं, अपने बुशेज में, झाड़ियों में, इन सब में जाके छुप जाते हैं। तो जब इन्हें पता चल गया कि सामने वाला डरता है तो ऑब्वियसली ना तो किलिंग हुई ना फाइटिंग हुई, वो उन्होंने वहाँ पे जाके रूल करना अपना शुरू कर दिया। तो एक ग्रुप की तो बात ये हो गई, अफ्रीकन पोस्टल ग्रुप। दूसरा ग्रुप है हादसा। हादसा ग्रुप क्या है, अब ये देखते हैं। हादसा ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप है हंटर्स का, ठीक है, जहाँ पे सभी लोगों का जो वो है मांस है वो क्या कहा जाता है कि खाया जाता है एलिफेंट को छोड़ के। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि वो आराम से हंट करते थे और उसे खाते थे, एलिफेंट को नहीं खाया जाता था, मे बी बिकॉज ऑफ साइज। ठीक है, फ्यूचर के लिए वो कुछ भी खास नहीं रखते थे, इकट्ठा करते थे अपना खाते थे, तभी वेजिटेबल फूड खाते थे, रूट्स, बेरीज, ये सारी चीज़ें खाते थे। ठीक है, अपने ड्राई सीजन में वो कोशिश करते थे कि नदियों के पास जाके ही रहते हैं, और अगर ड्राई सीजन नहीं है तो ज़्यादातर उनका मौसम वेट सीजन जो रहता था उसमें वो चारों तरफ स्प्रेड होते थे, यानी कि जब कोई नॉर्मल सीजन है तो वो चारों तरफ स्प्रेड होकर अपने कैंप्स लगाते थे, लेकिन ड्राई सीजन में नदियों के पास ही आके अपने कैंप्स लगा लेते थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको नदियाँ वगैरह मतलब रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। वो ज़्यादातर नदियों के आसपास कितने 1 किलोमीटर के अंदर अपने कैंप्स लगाते थे, ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस वो 5 से 6 किलोमीटर ही रखते थे। ठीक है, कभी कभी वो केव्स के आसपास, ठीक है, केव्स या रॉक्स के आसपास अपने जगह पे ऐसे कैंप्स लगाते थे अपने। ठीक है, वो रूट्स इकट्ठे करते थे, खाते थे, एनिमल्स को खाते थे, ठीक है, पानी को, ये सब कोई भी इस तरह यहाँ पे क्या था, किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, इनकी कोई भी आके रह सकता था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, लैंड पे किसी का एक अधिकार नहीं था कि मेरी लैंड है मैं ही रहूंगा, ये सब सबको जगह देते थे, बस ये है कि ड्राई सीजन में पानी के पास आके रह जाते थे। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक रिपोर्ट है, जेम्स
वुडबर्न की, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ह्यूमन कल्चर को पढ़ते हैं और ह्यूमन बायोलॉजी की इवोल्यूशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी एक रिपोर्ट है किसके बारे में? हादसा के बारे में। कैसा ग्रुप है ये? एक हंटर्स का ग्रुप है जो कि नदियों के पास ऐसे रहता है, ठीक है, अफ्रीका में, जो तंजानिया वाला इलाका है शायद वहाँ पर रहता है ये। हाँ, ये लेक यासी में, लेक यासी का तंजानिया वाले रीजन में है अफ्रीका में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हम आज से पास्ट में जा सकते हैं? मतलब हम पास्ट की पता क्या आज से लगा सकते हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई लगा सकते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो कहते हैं कि लगा सकते हैं, वो उन्होंने उस आधार पर कुछ काम भी करा है, जैसे हादसा वाला जो लेक तुर्काना वाला था ऊपर एग्जाम्पल, ये जो हादसा वाला एग्जाम्पल था उससे वो एक चीज़ बिल्ड करते हैं, एक अपनी थ्योरी बिल्ड करते हैं कि जो होमोनिड साइड है ना लेक तुर्काना, ठीक है, वहाँ पे भी लोग क्या करते होंगे, ड्राई सीजन में कैंप लगाते होंगे। ये उन्होंने किस आधार पर बोला? ये जो हादसा वाले ग्रुप के ऊपर स्टोरी दी गई है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर बोला। ये लोग क्या कहते थे कि आजकल के हंटर गैदर्स भी बहुत कुछ उन्हीं की तरह रहते हैं, तो हम आज से पीछे का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसका पता लगाया? लेक तुर्काना का पता लगाया। किस बेसिस पर लगाया? कि जो आज के हादसा लोग हैं, जब अभी मैंने बताया आपको कि ड्राई सीजन में वो नदियों के पास रहते थे, तो वहाँ पे जो लेक तुर्काना है वहाँ पे भी जो लोग रहते थे, जो होमिनिड रहते थे, वो भी ड्राई सीजन कैंप्स की वजह से ही रहते होंगे। अब दूसरी साइड क्या बोलती है? दूसरी साइड बोलते हैं कि भाई हम आज के ज़माने से पहले के ज़माने का पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि आज के लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी करने लगे हैं, बहुत सारी अलग अलग, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अलग हो चुकी है पहले से। पहले वाले लोग कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करते थे, बट आज क्या है, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को बेचा जाता है, पेड लेबर की तरह भी वो किसानों के यहाँ पेड लेबर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, सोशली हर तरीके से बहुत ही दरकिनार कर दिए गए हैं आज के टाइम पे। तो और उस टाइम क्या था? उस टाइम उनके लिए कोई फ्रीडम, सारी फ्रीडम थी, ठीक है, कोई किसी भी तरह से वो मार्जिनलाइज नहीं थे, यानी कि हाशिए पर नहीं थे। लेकिन अब क्या है, वो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, सोशली तीनों तरीके से क्या है, मार्जिनलाइज है, यानी कि उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है, दूसरी प्रॉब्लम आती है क्या, कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा है, अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग डाटा क्या है, कि मतलब कुछ लोगों के लिए, कुछ हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के लिए हंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए क्या वो गैदरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके ग्रुप साइज अलग अलग होते हैं, उनके मूवमेंट करने का तरीका एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होता है। तो उससे हम किसी एक पर्सनल, मतलब एक किस पे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या कहा गया है कि आज के जो सोसाइटीज़ हैं, अर्ली सोसाइटी, मतलब जो आज की हैं हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़, उसमें वुमेन भी क्या करती हैं, वुमन और मैन, दो वुमेन क्या करती है, गैदरिंग करती है और मैन हंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी भी सोसाइटीज़ हैं जहाँ दोनों ही हंट करते थे, दोनों ही टूल्स बनाते थे, तो बताओ आप किस कंक्लूजन पे पहुँचोगे, ठीक है। अब ह्यूमन वुमेन का जो रोल है, ठीक है, कुछ सोसाइटी में बिल्कुल ही मतलब फूड सप्लाई में कुछ है ही नहीं, कुछ में ऐसा है कि आप उनको डिनाई ही नहीं कर सकते, मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वुमेंस ने कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इसमें भी डिफरेंसेस हैं। तो हाउ कैन यू जज कि पहले क्या होता था, आज की वजह से, मतलब आज की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पहले का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। अब क्या बात करी जा रही है कि हंटिंग गैदरिंग ये सारी चीज़ें जो होती आई हैं, धीरे धीरे क्या हुआ, हम उन्हें डोमेस्टिकेट करने लगे, यानी कि हम उन्हें पालने लगे। अब क्या हम जानवरों को पालने लगे, तो अब कारण आता है कि क्यों हमने प्लांट और एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, यानी कि हमने प्लांट एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना, इनकी प्लांट यानी कि फार्मिंग शुरू कर दी और एनिमल्स में उन्हें मतलब एज अ पशुपालक हमने उन्हें पालना शुरू कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया, तो इसके कुछ रीजंस दे रखे हैं, मतलब ऐसा हुआ होगा ये कहा जाता है, या फिर कह लो कि हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया है कि जब आइस एज, हमने स्टार्टिंग में पार्ट वन में पढ़ा था ना कि एक आइस एज स्टार्ट हो गई थी, जिसके बाद वो जो कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, वो मतलब एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए थे। तो जब ये 13,000 ईयर्स पहले ये वाली एज खत्म हुई और मौसम फिर से वार्म होना शुरू हो गया, तब क्या हुआ कि जो बार्ले और वीट है उनकी ग्रोथ होने लगी, इन घासों की क्या होने लगी, ग्रोथ होने लगी, यानी कि फॉरेस्ट जो थे, अब फॉरेस्ट उगने लगे थे, ग्रासलैंड आने लगे थे। अब जहाँ जहाँ घास उगने लगेंगी क्या होगा, एनिमल की स्पीसीज आने लगेंगी, वाइल्ड शीप, गोट, कैटल्स, पिग, डंकी, ये सब बढ़ने लगेंगे। और ये सब बढ़ने का मतलब क्या है, हमारे जैसे ह्यूमंस के लिए, यानी कि जो अब डेवलप्ड ह्यूमन था उसके लिए बहुत अच्छी जगह बन गई ह्यूमन सोसाइटीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं चीज़ों को प्रीफर करते थे। हमें क्या चाहिए, जानवर चाहिए खाने के लिए। परमानेंट कम्युनिटीज़ ने क्या करा, धीरे धीरे फिर इन एरियाज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब उनकी फूड सप्लाई बढ़ने लगी। अब जैसे फूड सप्लाई बढ़ने लगी, इससे क्या हुआ, फूड की डिमांड भी तो बढ़ेगी, मतलब हम लोगों में भी क्या हुआ कि हमारा भी इवोल्यूशन होने लगा, हमारी भी ब्रीडिंग ज़्यादा होने लगी। तो धीरे धीरे क्या,
हमें और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी और हमारी ज़रूरतों को बढ़ने के साथ ही हमने क्या करा, डोमेस्टिकेशन उन चीज़ों का शुरू कर दिया। ठीक है, तो किन चीज़ों ने डोमेस्टिकेशन को इन्वॉल्व किया, प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन किसने, किन चीज़ों ने ट्रिगर करा, किन फैक्टर्स ने ट्रिगर किया, क्लाइमेटिक चेंज ने, हमारे पॉपुलेशन के प्रेशर ने, ठीक है, और हमारे ग्रेटर रिलायंस किस पे विश्वास होने लगा था, हमें नए स्पीसीज के, कुछ स्पीसीज मतलब हम कुछ ही प्लांट्स पे और कुछ ही जानवरों पे विश्वास करते थे, यानी कि हम उन्हें ही खा सकते हैं सिर्फ, जब हमने कुछ ही जीव जंतुओं पे विश्वास करना शुरू कर दिया तो अब इनकी अमाउंट भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना। अगर मान लो हम बहुत सारे पे बिलीव करते हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, ये खत्म हो गया तो ये खा लो, ये खत्म हो गया तो ये खा लो, लेकिन जब हम कुछ ही स्पेसिफिक चीज़ों पर रिलाई करते हैं तो फिर क्या है, उनकी डिमांड बढ़ने लगती है, और उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उनकी डिमांड बढ़ने की वजह से हमें उन्हें डोमेस्टिकेट यानी कि उन्हें खुद पालना पड़ेगा, उन्हें खुद उगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, वीट, बार्ली, राइस इन सबको उगाया जाता था, मिलेट, मक्का, ठीक है, और जानवर जैसे शीप, गोट, कैटल, डंके, पिग, इन सबको। ठीक, अब क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ, वन सच एरिया वे फार्मिंग पैस्टोरलिज्म बिगेन अराउंड 10,000 ईयर अगो, यानी कि जहाँ पे खेती और गाँव की तरह रहना शुरू हो गया था लोगों का, कहाँ पे हुआ है, फर्टाइल क्रिसेंट में। क्या है ये फर्टाइल क्रिसेंट, देखो एक बार मैप में देखते हैं, ये देखिए ये ना फर्टाइल क्रेसेंट, इस वाले एरिया में क्या हुआ, धीरे धीरे फार्मिंग वगैरह चीजें शुरू होने लगी थी। ठीक, अब क्या बाद में मतलब ये ईरान वाले इलाके में आ गया, आपने मैप में देख ही लिया है, लोग यहाँ पे एक जगह पे एक लंबे टाइम तक रहने लगे थे, धीरे धीरे परमानेंट हाउसेस बनने लगे थे, ठीक है, मिट्टी की ईंटें बनने लगी थी, बल्कि पत्थरों से वो अपने घर बनाने लगे थे, ठीक है, और फिर इस तरह से अर्लीस्ट विलेजेस ढूंढे जाने लगे थे। जो फार्मिंग और ये सब चीज़ें हैं इनसे क्या क्या होने लगा, फिर लोग पोर्ट बनाने लगे, अब भाई वो उगाएंगे तो कहीं स्टोर भी करेंगे, ठीक है, और खाना पकाने वाला प्रोसेस भी बहुत अच्छे से स्टार्ट होने लगा, नए तरह के हमारे स्टोन बनने लगे, स्टोन टूल्स आने लगे। ठीक है, हमने क्या करा, खुदाई के कुछ औजार यानी कि कुछ टूल्स और ढूंढे, जैसे फ्लो, ठीक है, जो ये फ्लो है ये एक टूल है जो कि खेती के लिए अब यूज करते हैं हम, एक हल की तरह कह लूं, ठीक है। धीरे धीरे व्हील भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, व्हील बहुत पोर्ट मेकिंग के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट था, पोर्ट मेकिंग आप देखते हो ना आज भी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिट्टी होती है और फिर वो पोर्ट बनाए जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो व्हील जरूरी होता ही है। तो धीरे धीरे ये सारे क्या होने लगे, हमारी फंक्शन करने लगी ये सारी चीजें, और हमारे लिए क्या हो गई, ये इंपॉर्टेंट भी हो गई। इसके बाद क्या, लगभग 5,000 ईयर्स अगो क्या हुआ कि और ज़्यादा लेवल पे लोग एक साथ रहने लगे, जिससे धीरे धीरे सिटीज बनने लगी। अब कैसे सिटीज़ का कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो हम थीम 2 में पढ़ने वाले हैं अपना, इसी के साथ हमारा थीम 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, और वो क्वेश्चन है आपका, आपको रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या है ये समझाना है अपने, किस में, अपने कमेंट बॉक्स में, और जब इस आंसर के 15 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी 11th क्लास की नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, बहुत ही छोटा सा टारगेट है, आपको 15 कमेंट्स करने हैं, यानी 15 आंसर्स देने हैं आपने रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के, ठीक है, कि ये क्या होता है, आपको ये पढ़ाया गया है, ठीक है। जब ये हो जाएगा पूरा तो इसके साथ क्या होगा, आपकी न्यू वीडियो आएगी क्लास 11th के साथ। तो ओके, जस्ट बाय बाय, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बाय।